कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वी आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एट द रिजल्ट्स, बट वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल इन ऑल ह्यूमिलिटी। वी कांग्रेचुलेट आवर ओपोनेंट्स फॉर विनिंग द इलेक्शंस। आई थिंक वी आर स्टिल रादर होपफुल फॉर छत्तीसगढ़, बट वी डोंट नो जस्ट येट। I also would like to thank all our workers, because not only at the state level but also from other states, they participate in the campaign and they worked very hard everywhere during this campaign. और कोई चारा नहीं है कांग्रेस के पास अपनी हार स्वीकार करने का, क्योंकि ये जनता का जनादेश है। जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, दिल्ली में सूपड़ा साफ कर दिया है। दो अंकों में भी दिल्ली में कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है और यही हाल कांग्रेस का रहा है राजस्थान में भी। अशोक गहलोत की सरकार वहां पर चली गई है, हालांकि 20 के लगभग सीटें वहां पर कांग्रेस ने जरूर हासिल की है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीत की बधाई अपने विरोधियों को जरूर दी, लेकिन राहुल गांधी भी क्या कहते हैं सुनिए। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। The Congress Party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress Party is going to do that. The Congress Party also, and myself and the Congress President, would like to congratulate our opponents who have won the election. We work for the people of this country, and it is our duty to listen to you. That is what we are supposed to do. And I want to tell you that we have heard what you have said, and we are going to do whatever we can do as individuals and as a party to live up to your expectations. हम आपके फैसले को स्वीकार करते हैं, यानी कि जनता ने अगर हमें सत्ता से हटाया है तो हम उसे स्वीकार करते हैं और कोई चारा कांग्रेस के पास नहीं है इस बात के अलावा, ये कहने के अलावा।